Hi Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And today I am here to share with you five novels that will definitely make you fall in love with literature. So guys, when I was young, when I was your age, I loved reading books. And I'm not talking about my wale Academy books. I loved reading novels. So I thought why not I should share this discovery of love with you all as well. So today I have brought लिस्ट ऑफ फाइव नॉवेल्स जो कि डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएंगी डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज से हैं एंड ये आपके जो यू नो नॉर्मली आपको रोमांटिक या थ्रिलर या फिर हॉरर जॉनराज मिलते हैं उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर आपको यू you नो know, ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज और चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे पास आपके लिए एक और चीज़ है जो कि डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में सक्सीड करने में हेल्प करेगी तो अगर आपको वो जानना है तो प्लीज अब नेक्स्ट वन मिनट तक मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगी जो कि आपको शांति से सुननी है फॉर नेक्स्ट वन मिनट यू गोइंग टू सी वीडियो एंड प्लीज उस ध्यान से सुनना आपके बहुत काम की चीज है <coughs> Hey, बच्चों जय नीट में रैंक लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पर्सनल अटेंशन और वेदांतो लर्निंग सेंटर से ज्यादा पर्सनल अटेंशन आपको किसी और कोचिंग में मिल ही नहीं सकती मैं तुम्हें थ्री टॉप पॉइंट बताता हूँ कैसे वन तुम्हें इनफैक्ट हर स्टूडेंट को मिलेगा एक डेडिकेटेड स्टूडेंट अकेडमिक मेंटर मेंटर्स तुम्हारा शेड्यूल बनवाएंगे तुम्हारी क्लास और टेस्ट में परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके जरूरत पड़ने पर टू क्लासेस भी करवाएंगे टू इंडिया में पहली बार वेदांतों के क्लासरूम्स में हर स्टूडेंट को मिलेगा स्मार्ट क्लिकर क्लिकर से तुम क्लास में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और हमें एक्जैक्टली exactly पता चलेगा कि कोई भी कंसेप्ट तुम्हें कितना समझ में आया है थ्री हमारा डाउट सॉल्विंग सिस्टम बच्चों सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है क्लास के अंदर है मास्टर टीचर्स सेंटर पे डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स और घर पहुंचने पे कहीं भी अटक जाओ ना तब लाइव वीडियो पे कनेक्ट होकर एक्सपर्ट्स तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देंगे बच्चों पर्सनल अटेंशन मतलब वेदांतु तो देर किस बात की है रजिस्टर करो क्योंकि सीट्स लिमिटेड है

बहुत ही जल्द तो जल्दी से इन कोर्सेज की डेट्स नोट कर लीजिए बिकॉज वेदर यू आर की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं तो भाई किस बात का इंतजार है आज ही जाके हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए और सबसे बढ़िया बात है कि आपके मास्टर टीचर्स आ रहे हैं आपके शहर हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना तो अगर आप ही अपने मास्टर टीचर से मिलना चाहते हैं तो ये डिट्स जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई देखो अभी भी आपके पास मौका है आप चाहो तो मार्च थर्टी

वगैरह नहीं खोलने वाली बट तो मैं आपको शॉर्ट में बता दू इस बुक में हुआ क्या है कि देर आर टू किड्स उनके फादर एक लॉयर है

करेक्टली ठीक है बट इस किताब में हुआ क्या है एक छोटा सा बच्चा है जो क्या बार्सिलोना में रहते हैं ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के पूरे के पूरे आ, तो स्टोरी के अराउंड है नॉट स्टोरी बट पूरा जो बैकग्राउंड है ना वो वर्ल्ड वॉर के बाद तो क्या है कि एक सीक्रेट तो लाइब्रेरी में लेके जाते है जहाँ पे बच्चे को किताब पसंद आती है दैडो ऑफ विंड ठीक है मैजिकल बुक काइंड ऑफ थिंग जिसके बाद उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है ठीक है ही रियलाइजेस की ये जो बुक है इसका जो ऑथर है गायब हो चुका है नो वन अबाउट हिम एंड दिस इज द ओनली कॉपी ऑफ दिस बुक दैट इज लेफ्ट एंड इट इज विद हिम सो वन पीपल गेट टू नो अबाउट इट उसे डिफरेंट डिफरेंट लोग कॉन्टेक्ट करते हैं ठीक है एंड ही बेसिक और जो ये शार्डो ऑफ द विंड का राइटर है इसका नाम कार्लोस करके नो उसके बारे में पूरा सर्च करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर गायब क्या हुआ और क्यों हुआ और उसी के अराउंड आपको बहुत सारी स्टोरी अनफोल्ड होते हुए दिखाई देगी इसके अंदर एक एंगल ये भी आता है वेर ही इन पे जो उसका लव जो है रेसिप्रोकेट नहीं करती है वो उसे कुछ साल बड़ी है तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा कि वन साइडेड लव कितना दुख देता है तो यू मस्ट रीड दिस बुक बहुत अमेजिंग किताब है moving on to the book number three on the list that is jane Eyre by Char charlotte Bronte. another amazing 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 book ठीक है आपको ये पढ़नी ही चाहिए what is it about it's basically about a woman named jane ठीक है जो कि अ है और उसकी आंटी उसका ध्यान रखती हैं एंड उसकी आंटी उसके साथ बहुत क्रूल है देन शी गोस टू अ स्कूल वो स्कूल से भी बहुत ज्यादा परेशान है when when she grows up she basically falls in love with a man who turns out to be married तो गॉथिक रोमांस लाइक ही, एक डार्क रोमांटिक नॉवल है एंड स्टिल यू अनफोल्ड दिस कैरेक्टर इन सो मेनी वेज एंड अंडरस्टैंड अबाउट हर पेरी एवरीथिंग ट्रामा सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुक ठीक है बहुत हटके किताबें हैं ये ठीक है व्हेन यू रीड देम एंड यू विल फाइंड द रीजंस बिहाइंड देम आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ऐसी चीजें कौन सोच सकता है ऐसे ट्विस्ट कौन लेकर आता है सो अनदर क्लासिक बुक दैट यू मस्ट रीड एंड स्पेशली फॉर ऑल वुमेन आउट देयर पढ़ के देखो बहुत मजा आएगा नाउ मूविंग ऑन

एंड वो ट्रेजर जो है इजिप्शियन पिरामिड्स में कहीं है और वो उन ड्रीम्स को फॉलो करता है ठीक है एंड ड्रीम्स को फॉलो करते हुए ठीक है वो जो ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश करता है उसके पास कौन से कौन से डिफरेंट डिफरेंट यू नो सिचुएशन आती है लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखता जाता है ठीक है तो इट्स अ वेरी अमेजिंग बुक फॉर यू के जउट देर टू लर्न अबाउट हार्श रियालिटीज ऑफ लाइफ टू लर्न अबाउट ग्रेट लाइफ लेसन जो कि आपको हमेशा हमेशा लाइफ में काम आने वाले हैं अमेजिंग किताब है यू मस्ट read it.

Love triangle. They are also dealing with their own individual griefs and how that person deals with it, how it, you get out of it. So it's a beautiful story, beautiful, beautiful story that I'm pretty sure a lot of teenagers would relate to. Especially because it's all about love triangle. It's all about dealing with your you know friendships and a friend who has died and everything. So you can understand those emotions to an extent, and probably a lot of you would learn a lot of things as well out of it. Why? Because both are a lot a teenagers

एनीथिंग एल्स तो दीज आर वर चैनल्स वे यू कैन सब्सक्राइब आपको बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट मिलेगा उसके लिए ऑल्सो दिस आर टेलीग्राम चैनल मेक श्योर टू जॉइन अवर कम्युनिटी ओवर हेयर इज वेल फॉर पी डी एफ बी एस एंड रिमाइंडर्स अमेजिंग सेशंस अडिशनली दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल फील फ्री टू पिंग मी ओवर हेयर इज वेल लास्टली इफ यू एंजॉय दिस वीडियो हिट द लाइक बाक शेयर इट विद यर फ्रेंड्स एंड डो नॉट वर्क एट टू सब्सक्राइब योर चैनल एज वेल बबाई गाइज हास्ता फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते